इंटरव्यू में स्पेशली बात कर रहा रो आप आगे अटेंटिव होकर बैठते हैं इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अटेंटिव है आप कॉन्फिडेंट कितने हैं किसी भी जवाब देने में देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आप आई में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को देखना चाहिए कि आई की कौन सी बड़ी कंपनीज है जिनमें आपकी जॉब हो सकती है ये जरूरी नहीं होता आई की कंपनी जो है उसने किसी टॉप नोश यूनिवर्सिटी से ही हायरिंग करनी है भाई कंपनी को स्किल्स चाहिए आपकी उस स्ट्रेंथ की वजह से उस कंपनी ने क्या वैल्यू एडिशन की आपकी उस स्ट्रेंथ की वजह से आपकी ये कंपनी किस तरह से इंप्रूव कर सकती है आपकी स्ट्रेंथ की वजह से यह कंपनी किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकती है आपकी स्ट्रेंथ की वजह से किस तरह यह कंपनी ग्रो कर सकती है अगर यह कंपनी ग्रो करेगी आपकी स्ट्रेंथ की वजह से आपकी स्ट्रेंथ की वजह से यह कंपनी ग्रो करती है तो आपको क्या फायदा असला जी दिस इज काशिफ याकूब आज आप काफ़ी डाइवर्स फील्ड के लोग बैठे हुए हैं आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाउ टू शाइन एट योर नेक्स्ट इंटरव्यू यानी देखें इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ए, किसी भी फील्ड के बंदे के लिए चाहे वो कोई भी हो वो आईटी से भी हो सकता है वो बिज़नेस से भी हो सकता है वो साइंस से भी हो सकता है वो सोशोलॉजी फिजियोलॉजी एक्स्ट्रा मेडिकल किसी भी फील्ड से हो सकता है तो आप जहाँ से भी हो आपको इंटरव्यू में तो अपेयर होना ही पड़ता है राइट right? कभी आपको एडमिशन के लिए इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ता है अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आप जब एम में जाएंगे फिर आपको इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा बैचलर कर रहे हैं इसके बाद आप नौकरी तलाश करेंगे फिर आपको इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा तो इन एनी केस यू हैव टू अपेयर इन इंटरव्यू तो उसकी बेसिक अवेयरनेस होना कि इंटरव्यू में आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं कि हम तैयारी ही नहीं करते हम कहते हैं हमने इतना कुछ पढ़ा हुआ है मतलब आपने इतने साल की स्टडी कर ली है तो अब भी इंटरव्यू की तैयारी करें तो भाई उसकी एक डिफरेंट सिनेरियो है आप हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं आप हर सिचुएशन के लिए तैयारी करते हैं तो वाई नॉट फॉर इंटरव्यू वाई नॉट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ योर लाइफ राइट इवन के जब आप अपनी नेक्स्ट जिंदगी भी शुरू करने जा रहे होते हैं तब भी आपका इंटरव्यू होता है यस yes? लड़की वाले इंटरव्यू लेते हैं लड़के वाले इंटरव्यू लेते हैं मतलब इन एनी केस यू हैव टू गो थ्रू इट और फिर पेरेंट्स भी इंटरव्यू लेते हैं कि आज करके क्या आए हो पेपर में राइट right? या आप अभी जिस एज में आप लोग हैं आपसे अक्सर सवाल होता होगा कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है वट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ तो ये सारी सिचुएशंस में आपको बेसिक स्किल्स जो इंटरव्यू की हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी बैकग्राउंड में किसी भी क्लास में शायद बिज़नेस वालों को कहीं ना कहीं एच में पढ़ा दी जाती हैं अदरवाइज स्पेसिफ़िकली इस पर बात ही नहीं की जाती आप हर अपने सब्जेक्ट में ट्रेन होते हैं लेकिन जब आप उस सिचुएशन में बैठते हैं आपको पता ही नहीं होता हाउ टू रिस्पॉन्ड आपने बैठना कैसे है आपने उठना कैसे है आपने एंटर कैसे होना है रूम में इन तमाम चीज़ों पे हम थोड़ी थोड़ी करके आज बात करेंगे उसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे कि सिचुएशनल इंटरव्यू के जब क्वेश्चंस हो तो उनको आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है फिर हम बात करेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ तो उसको आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है फिर हम बात करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस तो फिर आपने उसको कैसे रिस्पोंड करना है फिर हम बात करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए वाई शुड वी हायर यू तो फिर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है इन चार एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे द पर्पज़ इज कि ये चार एस्पेक्ट्स यूजली आपके बहुत सारे एंगल्स को कवर कर लेते हैं राइट right? तो सबसे पहले आप ये देखें कि इंटरव्यू में जज क्या किया जा रहा होता है इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछना चाह रहा होता है देखें नर्वसनेस तो होती है इंटरव्यू में हेजिटेशन भी होती है क्योंकि आप की पूरी सारे के सारे 16 साल की स्टडी को या 18 साल की स्टडी को इंक्वायर किया जा रहा होता है वहाँ पे एक पाँच मिनट के दस मिनट के इंटरव्यू में जज किया जा रहा होता है तो नर्वसनेस इज़ एक्सेप्टेबल बट द थिंग इज़ हाउ टू मैनेज दैट इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहता है आपको जज करना चाहता है कि आपकी क्या स्किल्स हैं आप डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे देखें उसने सिर्फ काम नहीं करवाना होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है उस एनवायरनमेंट को के मुताबिक भी उसने देखना है कि क्या आप फिट इन होते हैं या नहीं होते तो उन डिफरेंट सिचुएशंस पे आपको अपने आप को पहले तैयार करना है देखें जब उसमें एक नर्वसनेस भी है एक एग्ज़ाम भी है तो वाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर इट वो जो चीज़ें जज करना चाहता है आप उसको जज करने की कोशिश में उसकी हेल्प करें आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है वैसे ही आपने द थिंग इज़ कि आपने अपने आप को पहले फोर्स ही करना है एनालाइज करना है कि इस सिचुएशन पे अगर सवाल होता है तो मैंने क्या जवाब देना देखिए सिचुएशन पे किस तरह से बात हो सकती है वट हैपेंड इन दैट सिचुएशन हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड ठीक है टेल मी द सिचुएशन वेर यू डिड दिस 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 आगे हम इस पर क्वेश्चन पे बात करेंगे वेन वॉज द लास्ट टाइम दैट यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर कोलिग एंड हाउ यू रिस्पॉन्डेड आई मीन इस तरह की बहुत सारी चीजें राइट right? तो इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए ये आप आप जनरली सोचते जरूर हैं लेकिन उस पर आप बात नहीं करते उस पर आप डिस्कस नहीं करते आपने किसी ने कोई के, के, किसी इंटरव्यू में अपीयर हुआ हो कोई जिससे इस किस्म का सिचुएशन एनालिसिस के मुताबिक कोई सवाल किया गया हो एनी वन ऑफ यू नो चले बिकॉज योर यंगर जनरेशन तो आपसे जब भी इस तरह का सवाल होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करना है अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करना है इसी पे आज हमारी फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन है कि हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड देखें अब डिफरेंट जॉब सिचुएशंस में डिफरेंट इंटरव्यूज uh, के क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें सिचुएशन क्वेश्चन कुछ और होंगे बिजनेस वाले दे रहे हैं तो उसमें सिचुएशन क्वेश्चन कुछ और होंगे जोलॉजी केमिस्ट्री इंजीनियरिंग डिफरेंट लोगों के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे राइट right? लेकिन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन इन कुछ एरियाज में से पूछे जाते हैं इसके अलावा भी एरियाज है लाइक like इसमें मैंने लिखा हुआ टाइम मैनेजमेंट इंटरपर्सनल स्किल्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अलावा भी हो सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है इमोशंस मैनेजमेंट हो सकता है इमोशंस मैनेजमेंट एक ऑफिशियल सेटअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग जो डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं पढ़ रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आपस में ग्रुप्स बनते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उसमें भी लोगों की इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं अब इन सारी सिचुएशंस को आपने अपने एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करना है बेसिकली क्योंकि आप उसको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे <coughs> तो आप में से कोई है जो इसमें से किसी एक पर मुझे बता सके कि कभी उसने अपने किसी ग्रुप में फ्रेंड्स में फैमिली में जो शेयर किया जा सके <tart noise> कोई ऐसी सिचुएशन आप चार लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं चार लोगों में से दो का कॉन्फ्लिक्ट हो गया <coughs> ये मैं मान नहीं सकता कि कभी ऐसा ना हुआ हो ह्यूमन बींग है ना हर एक का अपना अपना बिहेवियर है हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है तो कभी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो चाहे वो आपका हुआ हो वो एंड कैसे हुआ वेर इट लीड्स टू एनी वन प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट गलत सही कुछ नहीं होता सुला में एंड हुआ ठीक है और वो कॉन्फ्लिक्ट किसी काम की वजह से था उस सुला में किसी एक दोस्त ने रोल प्ले किया होगा एक कॉलिग ने रोल प्ले किया थैंक यू वेरी आपको कितना काम आता है आपको कितना काम आता है इस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आपको भी है, क्या कर सकते? हाँ देखें अब होता क्या है होता ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सीवी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती आपको इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है यानी आप इंटरव्यू में इंटरव्यू में जाते किस लिए इंटरव्यू में जाते ही उस लिए हैं कि जो चीज़ सीवी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही वो आपको आपका इंटरव्यू में आपसे जज करने की कोशिश की जा रही होती है क्योंकि उसमें आपका बिहेवियर आपका एटीट्यूड आपका डिसिप्लिन हाउ यू हाउ यू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन वो सब चीजें जज करने की कोशिश की जा रही होती है राइट सो यू आर राइट इसी पे हम बात करेंगे और इन श्ला एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल नो हाउ टू डू इट लेकिन आपको सबसे पहले देखें आपने अभी तक फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपकी एवरेज एज 25 है <coughs> राइट या 23 है 23 थ्री ईयर्स में आपने यू आर कैरिंग योर सेल्फ फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी थ्री ईयर्स राइट आप पिछले तीन तेईस साल से अपने आप के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें आपने अपने आप को डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप किया है राइट right? अब उस डेवलपमेंट में आपसे ज्यादा आपको कौन जानता है ट्रस्ट <coughs> में आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते होंगे क्योंकि आप डिफरेंट हैट्स पहन के घूम रहे होते हैं आप बाहर जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स की हैट होती है आप अकेले होते हैं तो आपकी कोई और हैट होती है आप पढ़ रहे होते हैं आपकी कोई और हैट होती है जब आप पेरेंट्स के पास जाते हैं आपकी कोई और हैट होती है राइट right? आप रिलेटिव्स में जाते हैं आपकी डिफरेंट हैट होती है सो यू योर नो यूर नो अबाउट यू ओरिजिनली कि आप क्या है, राइट? इसी करते करते हैं राइट इसीलिए उसको पहले तैयार करना जरूरी है क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाके कहेंगे कि मैं वहीं पे जा कर रिस्पॉन्ड करूँ तो फिर नहीं होगा फिर आप उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आपने उस सिचुएशन को पहले से तैयार करना है आपने उस सिचुएशन को कि आपसे ये सवाल हो सकता है उसको पहले से लिखना है उसको लिख के अपने पास स्टोर करना है और फिर जब आप उसको दोबारा रिव्यू करते हैं तो आप इम्प्रूव करते चले जाते हैं हाँ बाजूकात यह जरूर होता है कि आपको एक सवाल के जवाब में दस सिचुएशंस याद आ रही हैं राइट right? उस सूरत में क्या करें उस सूरत में टेक अ हेल्प फ्रॉम योर ट्रस्टेड फ्रेंड मे बी फैमिली मेम्बर मे बी कॉलीग राइट मे बी योर फ्यन्सी वट एवर आप जिससे भी है जो भी आपका ट्रस्टेड कॉलिक है उससे हेल्प लें उस टाइम ऐसे टाइम के लिए पहले तैयारी करना जरूरी है मैं यही कह रहा हूं ठीक है पहले से तैयारी करना जरूरी है इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम सब इंटरव्यू में तैयारी के बगैर चले जाते हैं और फिर कहते हैं मैं सिलेक्ट नहीं हुआ भाई आपने आप बाकी से डिफरेंट कैसे हैं आप अपने आप को पहले बताएं राइट अपने आप को आप कन्विंस कर पाएंगे अगर आप अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हैं तो आप दूसरे को भी कन्विंस कर पा रहे हैं राइट इसके लिए एक बहुत स्टैंडर्ड <coughs> है कि आप उसको प्रैक्टिस करें मे भी आप उसके एक ये, ये भी तरीका हो सकता है जैसे अभी आप लोग फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रेजेंटेशन के लिए भी जब जाते हैं तो हेज़िटेशन होती है राइट कुछ लोग जो है वो कांपने लग जाते हैं पसीने आने लग जाते हैं आई मीन डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशन इस, इसमें नथिंग इज रॉन्ग राइट द ओनली थिंग इज के आपको उस वीकनेस का जब पता चल जाए तो फिर आपने उसको एड्रेस करना है राइट right? उसको फिर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए भी इसी तरह बैठ के शीशे के सामने बैठ कर प्रैक्टिस करें आपको खुद ही पता चल जाएगा किस जवाब में आप फेक लग रहे हैं और किस में आप ओरिजिनल लग रहे हैं राइट right? अब इन सारी जो सिचुएशंस हैं इन पे एक एक मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करता हूँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट पे जैसे मैंने अभी इनको कहा भी जिससे जिनसे बात हो रही थी मेरी अस अबाउट द सिचुएशन व्हेन यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ कोलीग और अ टीम मेम्बर एंड एक्सप्लेन हाउ यू हैंडल्ड इट इन दोस्त ने कहा सॉरी नाम आपका वकार भाई ने कहा कि सुलह पे एंड हुआ राइट right? अब द थिंग इज दिस इज़ नॉट ओनली वन वर्ड आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आपने उसको हैंडल किया अब उसके क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको इसके बाद शेयर करता हूं टाइम मैनेजमेंट हाउ डू यू डील विथ टाइट डेड जब भी आपको बहुत थोड़ा टाइम मिलता है तो आप उन डेड को कैसे मीट करते हैं आपका कोई टीचर आपका कोई सुपरवाइजर अचानक आके आपको कह देता है कि जी बस आधे घंटे में मुझे ये काम चाहिए आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं राइट right? अच्छा ये वो चीज़ें हैं देखें जो हर एक की लाइफ में किसी ना किसी सिनेरियो में हैं चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं आपको उसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि वो एक आपके माइंड में चीज स्टोर होनी चाहिए राइट कि आपको इन सिचुएशन को जो स्टैंडर्ड सिचुएशन है उनको तो आप लिख सकते हैं ना उनके बारे में तो अपने आप को तैयार कर सकते हैं कैन यू गिव एस एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू हैंडल डीज काइंड ऑफ मोमेंट्स इन द पास्ट अब आप भी अगर इम्प्लॉयर हैं तो इट्स

एंड हाउ डू यू रिएक्ट देखिए बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं आप किसी जगह कोई वॉलंटियर काम करने गए हैं आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आगे वैसा कुछ भी नहीं हुआ कुछ अचानक हो गया अचानक अचानक आपका पेपर पेपर कैंसिल हो गया है वाले दिन आप आप बीमार हो गए हैं अचानक कोई भी ऐसी अनफॉर्चीन सिचुएशन हो गई है तो उस सूरत में आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया था कैन यू शेयर एक्सपीरियंस वेन यू फेस द चैलेंज वाइल कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड वट वॉज द आउटकम सही है के कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया और उसकी फिर आउटकम क्या थी हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस है अच्छा हम मोस्टली लोग ट्रस्ट मी इन सिचुएशंस के क्वेश्चंस में ही मार खाते हैं जिनसे वो सारी जिंदगी गुजर च के आ चुके होते हैं बस उसको रिकॉल नहीं करते कि आपने कौन सी सिचुएशन बतानी है और कौन सी सिचुएशन नहीं बतानी उसके लिए आपको राइट डाउन करना लिखना प्रैक्टिस करना उसको सोचना कि ये सही है या नहीं है वो बहुत ज़रूरी है और वही हम नहीं कर रहे होते राइट कैन यू शेयर अ टाइम वेन यू हैड अ परस अ कॉलीग और अ मैनेजर ऑफ योर आइडिया आपने उसे कन्विंस करने की कोशिश की राइट right? आपने कभी अपने अपना आइडिया ग्रुप में प्रेजेंट करने की कोशिश की है और उसके बाद क्या रिएक्शन आया एनी वन ऑफ यू अगर वॉलेंटियर नहीं करेंगे तो देन आई विल पिन पॉइंट क्या आप बताएं ठीक <laughs> है तो <coughs> हाउ डिड यू अप्रोच दिस सिचुएशन आपने डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से कैसे अप्रोच करते रहे हैं अच्छा अब मुझे थोड़ा सा आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे आपसे डिस्कस करना है कि आप क्या क्या सिचुएशन हैं आपके ख्याल में डिफरेंट कोई भी अपनी एक एक सिचुएशन किसी भी टाइप की चाहे वो टाइम मैनेजमेंट पे हो चाहे वो स्किल्स पे हो <clears throat> चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल्स पे हो चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे हो कोई भी इन जैसे इन्होंने बताया कि फ्रेंड्स की वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद रिजॉल्व हो गया कोई भी एक सिचुएशन आप शेयर करें एनी वन सिचुएशन नहीं आपकी इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आप एक ख़ास सिचुएशन में थे आपको अचानक से एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई है आपको आपने उसमें कैसे ए, आ, आप आपके प्लान में नहीं थी वो हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू इट उसमें यही है कि वो थोड़ा से नहीं, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसी आपकी सिचुएशन आई थी तो वो मुझसे शेयर करें कोई भी आप जा रहे थे आपने एग्ज़ाम के लिए पहुंचना है और रोड ब्लॉक हुई, हुई हुई है एक एक्सीडेंट हुआ था mm -hmm. वो प्लान में तो नहीं था yes. राइट आपने उस अगर ऐसा कोई इशू आया था तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया था ऑल्टरनेट ऑप्शन देखी उस पर चले गए ठीक है इसी तरह आपकी फैमिली में कोई ऐसा इशू हो गया कोई भाई भाई का कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसको किसी ने रिजॉल्व करने की कोशिश की हो लेकिन जब आप जॉब पे होते हैं तो जॉब की डिफरेंट सिचुएशंस हैं कोई है जो जॉब भी कर रहा है साथ ठीक है जॉब की डिफरेंट सिचुएशंस हैं तो उसमें कॉलिग्स के इट्स वेरी स्टैंडर्ड जिस तरह आप क्लास में आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना फैमिली में होते हैं इसी तरह ऑफिसिज में भी होते हैं राइट right? जेलिस भी होती हैं अब वो कोई ऐसी सिचुएशन में इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट आया था रिजॉल्व हो गया इस तरह डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इंटरव्यूअर उस रिस्पॉन्स को ही चेक करना चाहता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन इंटरव्यूअर उस रिस्पॉन्स को ही देखना चाहता है कि आपने कैसे रिएक्ट किया इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि क्या आप उस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट थे अगर पार्ट थे भी ट्रस्ट में अगर आप थे भी तो जरूर बताएं और फिर बताएं कि आपकी लर्निंग क्या थी उस पर हाउ डिड यू रिजॉल्व दैट हमने क्या करना है जी कि हमने किसी भी इस तरह के सवाल के जवाब देने के लिए स्टार मेथड यूज करना है राइट अब ये मेथड आपकी हेल्प करेगा कि आपने अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है स्टार मेथड का किसी ने नाम सुना हुआ पहले नहीं सुना हुआ ओके देखे

डिफरेंट कॉन्टेक्ट के डिफरेंट स्किल्स की बेस पे सिचुएशन फोर सी करेंगे इंटरव्यू से पहले राइट right? आपसे इस, इस तरह का सवाल हो सकता है जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल शेयर किया सिचुएशन को सबसे पहले देखना है कि वो काम है क्या था वेन इट हैपेंड हाउ इट हैपेंड एंड दे टास्क आपका क्या रोल था उसमें राइट right? वो सिचुएशन जो भी थी उसमें आपका क्या रोल था वो रोल आइडेंटिफाई किसने करना है आपने करना है नो बॉडी विल गोइंग टू रिजॉल्व इट फॉर यू एंड नो बॉडी विल फाइंड इट फॉर यू एज वेल आपको अपने लिए खुद से फाइंड आउट करना है कि वो टास्क आपका क्या था और ट्रस्ट मी आपका होगा अगर आप उस सिचुएशन में थे तो. तो अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है उसके बाद आप आपका रोल क्या था फिर आपने उस पर एक्शन क्या लिया राइट right? सिचुएशन क्या है आपका रोल क्या था वट यू डिड वाई यू डिड इट राइट एंड देन रिजल्ट यहां पे आके गड़बड़ करते हैं हम पता है? यहां पे आके हम गड़बड़ कर जाते हैं हम रिजल्ट पे बात ही नहीं करते हम ये बता देते हैं इंटरव्यू में कि सिचुएशन ये थी मेरा रोल ये था मैंने ये एक्शन लिया एक्शन के बाद हम चुप हो जाते हैं पहले से आपको प्रिपेयर करना है कि आपने जो एक्शन लिया उस सारी सिचुएशन के बाद रिजल्ट क्या था वट वॉज द आउटकम नाम आपका वकार वकार भाई वट वॉज दी आउटकम आपने कहा कि आउटकम वॉज एवरीथिंग एवरी थिंग बिकम्स फाइन ऐसे ही है ना सब कुछ ठीक हो गया वट वॉज दी आउटकम आपका उस आउटकम में क्या रोल था आपने उस आउटकम से क्या लर्निंग ली राइट right? तो आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखिए आज आप किसी भी एग्जाम पास करने के लिए नहीं आए आप सब में ख़ास बात यह है कि आप अपनी लर्निंग के लिए आए हैं, आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं, आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बातें हो सकता है कि अगले पाँच साल दस साल आपको हेल्पफुल हो, तो इसलिए आप सब जो जो, जो बात शेयर करना चाहे वो ज़रूर करें क्योंकि वंस इन वाइल ही आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए इस सिचुएशन को देखें और बाकी इस सिचुएशन को आपने खुद से एनालाइज करना आपका जो भी नेक्स्ट इंटरव्यू हो आप इसको ट्राई करें देखें आपके पास और नहीं ना आपसे फॉर एग्जांपल सिचुएशन का सवाल उसमें नहीं किया जाता आपसे कोई और सवाल कर लिया जाता है आपसे स्ट्रेंथ का सवाल कर लिया जाता है आपकी स्टोरीज रेडी होंगी सिचुएशन में अगर आप पांच सिचुएशंस पे अपने आप को तैयार करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास पांच स्टोरीज होनी चाहिए अपनी जिंदगी की राइट right? तो आपको अपनी लाइफ में से ही स्टोरीज निकालनी है आपने कोई वॉल्टियर काम किया है आपने कोई एक्टिविटी की है आपकी ग्रुप एक्टिविटी है आपने उसमें से ही निकालना है कि स्टोरीज क्या है तो आपने जो भी स्टेटमेंट देनी है जो भी कहना है उसके पीछे स्टोरी होनी चाहिए देखिए आप ने देखा होगा कि जब कोई स्टोरी सुनाता है तो उस पर लोग ज़्यादा अटेंटिव होते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता है कि आपने डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड किया तो आप उसको एक शॉर्ट सी स्टोरी ज़रूर बताएं कि आप ये इवेंट हुआ और उसके बाद आपने इसको ऐसे रिस्पॉन्ड किया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट आपने किसी को भी मिस नहीं करना प्लीज आपने राइट डाउन करना है डिटेल में राइट डाउन करना है कि क्या क्या डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या थी और आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया था अच्छा जी अभी तक का ये सिचुएशन क्वेश्चन पे हमारी अभी तक की ये डिस्कशन थी इस पर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हम अभी ले लेंगे ताकि आपको आ, साथ साथ हम चलते रहें किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ देकर किसी भी सिचुएशन पे किसी भी सिनेरियो पे ओके okay. इसके अलावा बाकी जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस एंड व्हाई शुड वी हायर यू देखिए आपने इंटरव्यू में उस सिचुएशन के हिसाब से रेडी होने के अलावा आपको यू हैव टू कैरी योर इन अ गुड वे एज वेल ऑफकोर्स डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं बट बॉयज़ ऑफ कोर्स टी शर्ट में नहीं जाएंगे आपका बेल्ट और आपके शूज का कलर मैच होना चाहिए आई मीन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपके सूट का कम्बिनेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए इस तरह लड़कियों में ऐसे शाइनिंग कपड़े नहीं होने चाहिए जो आँखों को चुभने वाले हों राइट बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू नॉट फॉर वलीमा राइट आपने जो है वो ऐसी लाइनिंग वाली शर्ट्स कही होती हैं जो आंखों को वो कलर्स उस पर रुकते नहीं हैं ऐसी शर्ट्स को अवॉइड करें और आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आप किस कम्बिनेशन में या किस ड्रेसअप में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं राइट right? आप वो कम्बिनेशन पहने वो उस तरह से ड्रेसअप हो ताकि आप आप उसकी बेसिक अपेयरेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें इंटरव्यू में आपके सीनियर्स भी आपसे बत, आपको बताएंगे और टाइम के साथ साथ यू विल लर्न कि आपको दरवाज़े से एंटर होने से लेकर सीट से बैठने तक और उसके बाद वापस जाने तक आपका बिहेवियर भी ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है राइट right? आप कैसे एंटर हुए हैं आपने कैसे बात की है राइट right? आप ऐसे बैठे हैं आप टेक लगा के बैठे हैं आप आगे हो के बैठे हैं राइट डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स होते हैं ना तो आपको उन सिग्नल्स को पहले से रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है देखिए जैसे अगर आप बैक पर टेक लगा के बैठते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप आप योर लिस्ट बॉदर्ड इंटरव्यू में स्पेशली बात कर रहा हूँ आप आगे अटेंटिव होकर बैठते हैं तो उसका मतलब होता है आप बहुत ज्यादा अटेंटिव हैं आप कॉन्फिडेंट कितने हैं किसी भी जवाब देने में आप कोई भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए किस तरह से आप आपका कॉन्फिडेंस शेक शेक हो रहा है या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रेपरेशन पे जिसको हम सब अवॉइड करते हैं बार बार आई एम रिपीटिंग इट प्रेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप हर एग्ज़ाम के लिए प्रपरेशन करते हैं हर चीज़ के लिए करते हैं लेकिन एट द एंड जब आप जॉब के लिए जाना जाना शुरू करते हैं तो आप वहाँ पे इंटरव्यू की प्रपरेशन नहीं करते आगे इस पर हम मजीद भी बात करेंगे आपको डिफरेंट लोगों को पहले से वो ओवरव्यू भी करना चाहिए देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आप आई में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को देखना चाहिए कि आई की कौन सी बड़ी कंपनीज़ है जिनमें आपकी जॉब्स हो सकती हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि आईटी की कंपनी जो है उसने किसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से ही हायरिंग करनी है भाई कंपनी को स्किल्स चाहिए वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती इकबाल एक, एक ही क्लास में अलामा इकबाल के साथ और भी लोग पढ़ते होंगे उसका टीचर आर्नल्ड वो उन सबको पढ़ाता था लेकिन अलामा इकबाल एक, एक ही बना था क्यों क्योंकि स्किल्स, हाँ? स्किल्स थी हाँ जी एक तो ये दूसरा आप खुद कितना परसीव कर रहे हैं टीचर तो पचास लोगों को बता रहा है आप में से रिसेप्ट कितने हैं कितने लोग उसको उस तरह से रिसीव कर पा रहे हैं कितने लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे तो टीचर की यही सक्सेस बहुत होती है कि एक भी प्रैक्टिस कर ले तो लेकिन ऑफकोर्स ही ऑलवेज वॉन्ट्स इट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें मैं ये कहता हूं कि आपकी अपने आप के साथ सीरियसनेस है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं आपका अपना एनालिसिस क्या है अगर आप अपने साथ अपने साथ ऑनेस्ट हैं अपने साथ क्लियर हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आप अपनी फील्ड के चैम्पियन भी बनेंगे आप उस कंपनी को अप्रोच भी कर लेंगे तो है तो ये जॉब इंटरव्यू का सेशन लेकिन मैं यह बताता चलूं कि आप अपनी कंपनीज को लिस्ट डाउन करें कि आप लोगों को क्या क्या कौन कौन सी कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हैं अपनी फील्ड में अगर अभी आपको दो साल ग्रेजुएट होने में है तो भी करें लिस्टेड डाउन कौन कौन सी कंपनीज हैं लिस्टेड डाउन के इनके इंप्लॉयज में कौन कौन सी स्किल्स हैं यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए था हमें कैसे पता चलेगा कि उनके एम्प्लॉयज में कौन कौन सी स्किल्स है यस नंबर वन तो ये कि पहले तो आप सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप कंपनी को एनालाइज करें कि कंपनी आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं और नॉट ओनली वन थ्री फोर फाइव टॉप फाइव कंपनीज टारगेट करें अपने कैरियर के लिए फॉर एग्जांपल उसमें आप देखें कि कंपनीज में कि क्या क्या प्रोफाइल्स हैं कंपनी में क्या क्या काम होते हैं आप किस एरिया के लिए फिट इन हो सकते हैं फिर वो जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी लिंकड इन प्रोफाइल्स विजिट की जा सकती हैं राइट right? अभी से अपने आप को लिंक पे रजिस्टर करके उन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि उन लोगों की प्रोफाइल्स में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उनके प्रोफाइल्स में क्या क्या है कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको उस कंपनी में पहुंचा सकती हैं अगर डिफरेंट लोगों में एक ही जैसी स्किल्स शो हो रही हैं तो आप अपने आप में उन स्किल्स डिवेलपमेंट पर काम कर सकते हैं राइट सो इट्स ऑल अबाउट यू योर सक्सेस इज इन योर हैंड योर सक्सेस इज इन योर माइंड योर सक्सेस इज इन योर एक्शंस राइट आपको खुद से अपने आप को सबसे पहले क्लियर करना है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ प्लीज अपने आप के साथ ऑनेस्टी ज़रूरी है अपने आप के साथ क्लैरिटी ज़रूरी है राइट right? तो बात करते हैं क्लैरिटी से ही आगे जाते हुए स्ट्रेंथ्स पे वट आर योर स्ट्रेंथ्स आप में से किसी को क्लैरिटी है कोई एक स्ट्रेंथ अपनी अपनी चले बता दें कोई एक स्ट्रेंथ आपकी एवरेज एज 23 इयर्स है यू आर कैरिंग योर सेल्फ फ्रॉम लास्ट 23 इयर्स। कोई एक स्ट्रेंथ अपनी बता दें आपकी स्ट्रेंथ क्या है टाइम मैनेजमेंट ओके एनी अदर जी प्लीज स्किल्ड वर्कर ओके रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी यस एनी अदर जी, लर्निंग ओके बेटा स्ट्रेंथ एनी स्ट्रेंथेंसी गुड कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन आप जी प्लीज ओके यू कैन हैंडल डिफरेंट डाइवर्स सिचुएशंस ओके एनी वन एल्स जी आप में से प्लीज कोई तो आपने जैसे कहा कि आपकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आप लोगों ने अभी बताई लर्निंग बताई कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट डिफरेंट इश्यूज को रिजॉल्व करना कंसिस्टेंसी लर्निंग ब्ला 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 ये सारी आपने डिफरेंट मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स बताई हैं अब बताएं कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन ही पूछ ले वट इज योर स्ट्रेंथ तो आपको तो ऐसे करना चाहिए यस स्ट्रेंथ पूछिए यानी हैव चांस टू स्पॉटलाइट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट जेम यस यानी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जेम है आपका हीरा है उसको आप डिस्प्ले कर दें वाओ इससे बेहतर क्या हो सकता है लेकिन उसके लिए पहले वो क्लियर करना जरूरी है देखा कुछ लोगों को अभी वो सोच रहे थे इट्स नॉर्मल इसमें कोई गलत नहीं है लेकिन आप इसीलिए आज आप बाकियों से मुख्तलिफ इसलिए हैं क्योंकि आप आज ये सीखने आए हैं ये समझने आए हैं कि आपको प्रेपरेशन करनी कैसे कि आपको तैयार होके जाना है राइट तो उस तैयारी के लिए आप आइए तो अपने आप को ये क्लैरिटी लाएं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस स्ट्रेंथ के साथ आपकी आप के पास कोई ना कोई बैकअप स्टोरी होनी चाहिए तो ये बताता कोई कोई ये ठीक है तो वो स्टोरी आपको आपको इस तरह से निरेट करनी है कि ये भी ना हो गया आप आधा घंटा स्टोरी सुनाते रहे राइट यू हैव टू प्रिसाइज इट इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी लंबी स्टोरी सुन सके राइट right? उसके पास शॉर्ट टाइम है आपने उस शॉर्ट टाइम में अपने आप को पहले से पैराफ्रेज करके जाना है कि आपने अपनी स्किल्स किस तरह से बतानी है देखिए एक जौहरी होता है ना वो अपने अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जेम होता है वो डिस्प्ले करता है अपने शोकेस में राइट right? इसी तरह आपको अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी फाइनेस्ट एट्रीब्यूट फाइंड आउट करनी है और उसे डिस्प्ले करना है तो इसी तरह आपको अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फाइनेस्ट आपकी स्किल है आपकी एट्रीब्यूट है आपकी खूबी है वो आपको डिस्प्ले करनी है वो आपको निकालनी है अपने आप में से आइडेंटिफाई करनी है ट्रस्ट मी मैं आप में से नहीं निकाल सकता वो वो आपने खुद से निकालनी है आपको पता होगा कि आपकी फाइनेस चीज क्या है आपने उसको फाइंड आउट करना है और आपने उसको डिस्प्ले करना है यानी फिर आपने उसको बताना है अब बताना कैसे है बताने के लिए आपको उसको उसको एक सिनेरियो में लेके जाना है टाइम शॉर्ट है लेकिन आपने उसको पूरी सिचुएशन को शॉर्टली बताना है कि ये दिस इज़ वाई योर स्ट्रेंथ इज और आपके पास उसके फॉलोअप में क्वेश्चन भी होने चाहिए उन क्वेश्चन के जवाब भी होने चाहिए कि अगर आपसे फॉलोअप में कोई क्वेश्चन होता है उस पर तो उसका क्या जवाब होगा राइट डिफरेंट सिचुएशन देखें आपको अगर स्ट्रेंथ पूछी जा रही है आपने एक चीज़ में स्ट्रेंथ बताई है लर्निंग राइट जिन लोगों ने लर्निंग बताई थी दो तीन लोगों ने मुझे बताएं व्हाट वाज योर लास्ट लर्निंग आपने लास्ट कौन सी ऐसी लर्निंग की है जो आप कैटेगोरिकली बता सकते हैं इसका जवाब हो सकता है कि आपने आपने कल ही एक टॉपिक पे आर्टिकल पढ़ा आपने कल ही एक बुक पढ़ी है आपने कल ही एक ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड की है आपने कल ही एक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग अटेंड की है आपने कल ही एक सॉफ्ट स्किल्स पर ट्रेनिंग अटेंड की है तो देखिए टेक्निकल क्वेश्चंस तो होते ही हैं अगर कोई फॉर एग्जांपल आईटी का है तो उससे टेक्निकल क्वेश्चंस तो होंगे ही लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस होंगे उनके लिए तो आप एक दफा तैयारी कर लें वो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में आपके वो उसी तरह से चल जाएंगे लेकिन एक दफा बैठना और अपने आप को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी वो स्ट्रेंथ क्यों है राइट right? आपकी उस स्ट्रेंथ की वजह से आपकी लास्ट कंपनी को क्या फायदा हुआ आपकी उस स्ट्रेंथ की वजह से उस कंपनी ने क्या वैल्यू एडिशन की आपकी उस स्ट्रेंथ की वजह से आपकी ये कंपनी किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है आपके स्ट्रेंथ की वजह से यह कंपनी किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकती है आपकी स्ट्रेंथ की वजह से किस तरह ये कंपनी ग्रो कर सकती है और अगर यह कंपनी ग्रो करेगी आपकी स्ट्रेंथ की वजह से हाँ किस स्ट्रेंथ की वजह से यह कंपनी ग्रो करती है तो आपको क्या फायदा क्योंकि आप भी उसके साथ ग्रो करेंगे राइट right? तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है राइट right? आपको अपनी स्ट्रेंथ अपनी वो एट्रीब्यूट उसी क्लैरिटी के साथ उसी कॉन्फिडेंस के साथ बतानी है आपके का मैसेज आपकी बात इतनी क्लियर होनी चाहिए आपकी स्टोरी इतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए कि वो इंटरव्यूअर की अटेंशन खुद ब खुद ग्रैब कर ले राइट right? वो खुद ब खुद अटेंशन ले ले तो इट्स अबाउट यू देन राइट तो इंटरव्यूअर तो आपको जज कर रहा है आप किस तरह से जज हो रहे हैं आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कपड़ों के अलावा आपका बोलना बहुत ज़रूरी है आप मोस्ट एक्सपेंसिव सूट पहन लेते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं बट आपकी प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू स्पीक एक्चुअली ऑफकोर्स दैट इज दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन बट वट अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड एंड वट अबाउट द लास्ट दैट इज दैट इज वट यू स्पीक अप राइट गुड हाँ तो आपको उसी को तो पहले से पैराफ्रेज करना जरूरी है कि आपने किस तरह से अपनी वो बात करनी है देखिए अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से करते हैं तो वो ऐसा नहीं समझेंगे देखिए कंपनी को क्या चाहिए कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो उसके बेनिफिट के लिए काम कर सके और जब उसका बेनिफिट होगा तो फिर आपका बेनिफिट होगा इन रिटर्न तो आप अपना बेनिफिट लेने नहीं जा रहे आप उनको बेनिफिट देने जा रहे हैं राइट तो उनके बेनिफिट के रिटर्न में आपको रिटर्न मिलेगा देखे ना जब एक एम्प्लॉ को पता होगा कि कंपनी की डायरेक्शन क्या है कंपनी का विजन क्या है कंपनी किस तरफ जाना चाहती है तो फिर वो इंटरव्यू और तरह से देगा फिर वो रिस्पॉन्ड और तरह से करेगा फॉर एग्जांपल मैं आपको चलें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ एक किसी भी आप बैंक में जाते हैं सर्विस कंपनी में जाते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की चलें किसी आप यूफोन की फ्रेंचाइज में जाते हैं या किसी भी फ्रेंचाइज में अब आप उसमें आपका क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जब आप जाए सर नीट एंड क्लीन फ्लोर हो गार्ड जो है वो आपको एंटर होते ही आदाब करे राइट अस्सलाम वालेकुम कहे आप जिन लोगों से मिले वो स्माइलिंग फेस के साथ हो वहाँ पे आप बैठे तो पानी अवेलेबल हो राइट रिस्पेक्ट चाहते हैं ना आप एक क्लीनलीनेस चाहते हैं बिकॉज इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री बैंक में जाते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं साफ़ सुथरा होना चाहिए अब मुझे बताएं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्विस इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी का वी है कि हमने बेस्ट सर्विस डिलीवरी करनी है अब सर्विस डिलीवरी में यह सफाई भी ज़रूरी है यह स्माइल भी ज़रूरी है पानी की बोतल होना भी ज़रूरी है राइट और एक वो जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इन सब चीज़ों से वो इसी तरह से बिल्ड होता है ना तो मुझे बताएं अगर सफाई करने वाले को यह पता होगा कि मैं इस सफाई करने की वजह से कंपनी अपना विजन अचीव कर रही है अपने गोल्स अचीव कर रही है तो उसका सफाई करना बदलेगा कि नहीं बदलेगा यस बदले। yes, क्योंकि वो वो रूटीन में नहीं कर रहा वो कह रहा मेरी मैं नहीं करूंगा तो कंपनी का जो गोल है वो अचीव ही नहीं होगा वही तो आपने ऊपर से नीचे तक लेके आना है ना वही तो आपने ऊपर से नीचे यस तो वो जोर लगाएगा तो कंपनी ग्रो करेगी कंपनी ग्रो करेगी तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा ठीक है तो आपको ये इट्स अ टू वे प्रोसेस राइट तो आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस पर हमने बात कर ली है कि बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट अपने आप के साथ ऑनेस्ट और क्लियर रहें और फिर इसी तरह इंटरव्यू में प्लीज़ डोंट लाई झूठ मत बोलें किसी भी सिचुएशन पे। जो ओरिजिनल है उसी को पॉजिटिवली बताने की कोशिश करें कोई भी ऐसी स्किल ऐसी चीज़ ना बताएं जो आपके बारे में झूठ है बिकॉज अगर आप उस झूठ की वजह से हायर हो भी जाते हैं तो फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर्स फोर ईयर्स टेन ईयर्स वट एवर द ईयर्स आर आपने उसी कंपनी में गुजारने हैं तो आपका क्या इम्प्रेशन होगा आपका क्या स्टेटस होगा लोग आपके बारे में क्या फोर्सी करेंगे आपसे कैसे बात करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन कि आप ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं आप अगर झूठ बोल के हायर तो हो गए हैं लेकिन उसके बाद आप पे एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा राइट right? आपकी पर्सनैलिटी पे जो आपके साथ एक टैग बन के रहेगा आपको जवाब देते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है उस स्ट्रेंथ पे जो जॉब के रिलेटेड हो यानी आप आपके कोई ऐसी स्ट्रेंथ ना बता दें जो उस जॉब के रेलीवेंट ही नहीं है राइट right? आपका काम जो है वो फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग एनालिसिस का है और आपका मेरी फाइनेंस की बहुत अच्छी स्किल्स है राइट right? तो हाँ अगर हैं तो फिर आपने उसको अब रिलेट करके बताना है कि किस तरह से है किस तरह से मार्केटिंग एनालिसिस में फाइनेंस बहुत जरूरी है राइट right? या आपकी एच की बहुत अच्छी स्किल्स है वट तो आपको जो भी स्किल बतानी है उसको रिलेट करना है अपनी जॉब के साथ हाउ कैन योर स्ट्रेंथ एड वैल्यू टू द कंपनी इसमें हमने अभी बात की कि आपकी स्ट्रेंथ किस तरह से कंपनी में वैल्यू एडिशन कर सकती है So, आपको क्या करना है आपको पिन पॉइंट करना है अपनी स्ट्रांग सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको पिन पॉइंट करना है एबिलिटी टू गेट फेलो वर्कर्स इंगेज इन वर्क ये डिफरेंट स्ट्रेंथ्स है ना पॉन्श ऑन फॉर टेकिंग ऑन चैलेंजिंग टास्क इसका क्या मतलब है पॉन्श ऑन आपने कहा आप डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट डाइवर्स सिचुएशंस को सॉल्व करना चाहती हैं दैट इज दिस राइट पॉन शॉन फॉर टेकिंग चैलेंजिंग टास्क आपका इंटरेस्ट है आपकी एबिलिटी है आपकी डिज़ायर है कि आप उसको करना चाहते हैं स्टे काम अंडर प्रेशर आप अंडर प्रेशर भी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है काम का जो लोग काम करते हैं ऑफिसिस में उनको पता है बाजू का अचानक प्रेशर आ जाता है आप पूरा हफ्ता बड़े एक ही पेस में जा रहे होते हैं अचानक प्रेशर आ जाता है और उस दिन आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो क्या आप उस सिचुएशन में अग्रेसिव हो जाते हैं या आप सकून रह के आप काम करते हैं राइट yes. right? उसको सॉफ्टली हैंडल करेंगे बिल्कुल बेटा सो अगर आप क्रिएटिव तो, तो हैं है। है तो, तो, so, है, तो आप अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले करेंगे अपनी स्ट्रेंथ में अगर आप इन हाउस अटोर्नी है इन हाउस अटर्नी क्या होता है वो वो वकील वो लॉयर जो आपको इन हाउस सपोर्ट दे रहा होता है इन हाउस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाइड होता है हाउ यू सेव मिलियंस ऑफ फर्म्स बाय अवॉइडिंग कॉस्टली लिटिगेशन राइट देखिए आपको अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ दो वर्ड्स में नहीं आपको एक ख़ास तरीके से बतानी होती हैं उस पैराफ्रेज में बतानी होती हैं मे भी एक एक छोटे से सेंटेंस में बतानी होती हैं उसके बाद अपनी सिचुएशन बतानी होती है ताकि आपकी वो स्ट्रेंथ को का प्रूफ मिल सके ये नहीं है कि आपने कहा दिया टाइम मैनेजमेंट तो टाइम मैनेजमेंट यस, टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल दिस 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 वॉज द सिचुएशन इन माई ऑर्गेनाइजेशन एंड आई मैनेज एंड आई मैनेज इट टाइमली उस पर मुझे अप्रीशिएट किया गया और मुझे एक इंक्रीमेंट दी गई फॉर एग्जाम्पल दैट्स द आउटकम राइट तो आपको उस पूरी बात को बताना है उस पूरी बात को बताने के लिए आपको पोर्ट्रे करना पड़ेगा अकाउंटेंट हाउ ही सेव मनी विदाउट लेइंग ऑफ वर्कर्स जब से ये आईटी और रोबोट जॉब्स आई हैं दुनिया में बहुत बड़ा इश्यू है लेंग ऑफ एम्प्लॉइज़ को कट डाउन करने का निकालने का तो ये अकाउंटेंट की स्ट्रेंथ में आ सकता है कि उसने किस तरह से लोगों को निकाले बगैर पैसे सेव किए और कंपनी को फ़ायदा हुआ सेल्स पर्सन हाउ यू कंसिस्टेंटली अचीव योर टारगेट्स इधर किसी ने कहा था मुझे कंसिस्टेंटली आप में से किसी ने कहा था आपने कहा था कंसिस्टेंसी ठीक है किस तरह से उसने अपने पिछले दस सालों में कंसिस्टेंटली टारगेट से अचीव किए राइट तो आपकी अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी है तो यू शुड हैव प्रूफ फॉर योर कंसिस्टेंसी आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से क्या फायदा हुआ था आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से पिछली कंपनी को क्या एडवांटेज हुआ है आपकी उस कंसिस्टेंसी की वजह से क्या फायदा इस कंपनी को हो सकता है राइट right? हमने लिंकड इन प्रोफाइल्स की बात की थी कि आप लिंक इन प्रोफाइल्स विजिट कर सकते हैं अब आप जब भी इन लोगों की जिस जिन जिन कम्पनीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं आप लिंक इन प्रोफाइल्स विजिट करेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उन लोगों की स्किल्स कौन कौन सी हैं उन स्किल्स में स्ट्रांग राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं अटेंशन टू डिटेल हो सकती है ये देखिए ना ये आप डिफरेंट चीज़ें आप नोट भी करें एबिलिटी टू मैनेज द स्टाफ है एबिलिटी टू वर्क अंडर टाइट डेड है आप देखिए एक आप अपनी बताते हैं स्ट्रेंथ टाइम मैनेजमेंट और एक आप बताते हैं यू हैव एबिलिटी टू वर्क अंडर टाइट डेडलाइंस है ये टाइम मैनेजमेंट ही बट आप उसको बता रहे हैं कि आई हैव एबिलिटी टू वर्क अंडर टाइट डेडलाइंस आपने उसको फ्रेज उस तरह से करना है कि वो एक कैजुअल वो ना लगे कि एक जनरल लोग जिस तरह से बात कर रहे होते राइट इसी तरह एबिलिटी टू मैनेज स्टाफ क्या टीम मैनेजमेंट राइट सो यू हैव एबिलिटी टू मैनेज दिस स्टाफ इसी तरह अटेंशन टू डिटेल आप हर काम में बहुत डिटेल में जाते हैं राइट योर फोकस्ड योर कंसिस्टेंट तो उसको पोर्ट्रे किस तरह से करना है अगर आपको ये सारी फॉर एग्जांपल आप किसी एक की लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करते हैं एक कंपनी की और उसमें आप 10 लोगों को विजिट करते हैं 10 लोगों में आपको यही चार स्किल्स मिलती हैं तो इसका मतलब है कि आपको उस कंपनी में जाने के लिए इन स्किल्स पे काम करने की जरूरत राइट सो माई फ्रेंड्स योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स प्लीज यू हैव टू टेक योर सेल्फ सीरियसली कुछ कहना चाहते है? जी, सर हम, मतलब हैं, और हम बात करते हैं तो या कोई और हमें ऐसा लगता है कि हम जो बात की है अगले ने उसका गलत मतलब ले लिया या हमसे कोई गलत बोला गया उस चीज को डिफाइन किस तरह से करें अगले को कि अब अगले के देखिए देखिए इंटरव्यू में एक तो ये बात क्लियर रखें कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको उस आंसर को दोबारा से रिपीट कर सकें राइट तो अगर ऐसा हो जाता है तो टेक इट एज़ अ एक्सपीरियंस और उसको कोशिश करें अगले किसी सवाल के जवाब में उसी सिचुएशन को दोबारा से बीच में लाने की और उसकी डायरेक्शन सेट करने की राइट right? और अगर ऐसा नहीं होता वो आपको मौका नहीं मिलता तो फिर उसके लिए सबसे पहले बैकउंड बैक पर ज़रूरी है कि आप जो हम नहीं करते जो हम नहीं करते मैं बहुत अरसा नहीं करता रहा कि हम अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पहले नहीं लिखते हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पहले जवाब उनके नहीं लिखते हाँ, प्रेपरेशन नहीं करते राइट right? अगर वो प्रेपरेशन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस ये जो मैं बोलने जाऊँगा ना इसमें बात चेंज हो जाएगी अच्छा अगर आप प्रेपरेशन कर लें और आपसे फॉर एग्जांपल ये सवाल डायरेक्ट स्ट्रेंथ का नहीं पूछा जाता तो आपकी तो तैयारी है आप किसी ना किसी सवाल के जवाब में वो फिट कर देंगे क्योंकि उस वक्त तो आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो प्रेपरेशन ऑलवेज़ हेल्प ये जरूरी नहीं है आपसे ये डायरेक्ट सवाल ही पूछा जाए आपसे इनडायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं मोस्टली इनडायरेक्ट ही पूछे जाते हैं क्योंकि उन लो, लोगों को ये अंदाज़ा हो गया है कि डायरेक्ट पे तो बहुत रटे लगे होते हैं तो अगर आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी ओरिजनैलिटी सामने आती है उस ओरिजनैलिटी के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड की बजाय अपने आप को पूरी सिचुएशन में डिस्क्राइब करना है जब आपके पास एक स्टोरी होगी ना तो आप उसको वो आप कहीं ना कहीं उसको फिट इन कर देंगे कहीं ना कहीं किसी सवाल के जवाब में आ जाएगी और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना होने दें प्लीज़ इंटरव्यू से पहले जो भी आपने सवाल तैयार किए हैं आप पहुंचे हैं उधर बैठ के बैठने का टाइम है बल्कि एक तो प्रेफरेबल यही है कि टाइम से पहले पहुँचें दस पंद्रह मिनट पहले बैठे वहाँ पर रिलैक्स हों और उन जितने आपके जो जवाब आपने तैयार किए हुए हैं उन जवाब को एक दफ़ा ओवरव्यू दे दें एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जो एग्जाइटी और हाथ कांपने लग जाते हैं पसीने आने लग जाते हैं इंटरव्यू में उस का भी आपको इससे फ़ायदा होगा और उसके लिए एक और मैं आपको टिप देता जाऊँगा अदर देन दीज स्लाइड्स कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टेक अ वाटर बॉटल विद यू एंड सम चॉकलेट और नॉट चुइंगम चॉकलेट नेसेसरली क्योंकि चॉकलेट फ़ौरन रिजॉल्व होकर खत्म हो जाती है और वो आपकी बॉडी में फ़ौर आपका शुगर लेवल मेंटेन करती है ये जो एग्ज़ाइटी होती है स्ट्रेस होती है हाथ कांपते हैं पसीना आ जाता है ये ये आपकी शुगर लेवल लो होने की वजह से हो रहा होता है जो हाथ कांप रहे होते हैं स्पेशली क्योंकि स्ट्रेस में आपकी शुगर लेवल लो हो जाती है तो उसमें अगर आप फ़ौर शुगर की इनटेक ले, ले लेते हैं तो आप आपको फॉर एग्ज़ाम्पल तीन चार मिनट बाद इंटरव्यू है उससे पहले खा लें आपके हाथ शाथ कांपने सब खत्म हो जाएंगे थोड़ा सा पानी पी लें और उसके बाद आपकी ये जो प्रिपरेशन होगी दैट विल ट्रस्ट मी वो जॉब मिले या ना मिले देखिए रिस्क तो नसीब से मिलता है ना तो आपको एक वो जो अल्लाह की तरफ से जहाँ पे आपका होता है रिस्क वहाँ पे मिलता है लेकिन अल्लाह ये भी नहीं कहता प्लानिंग ना करो अल्लाह ये भी नहीं कहता तैयारी ना करो अपनी प्रिपरेशन पूरी करें फिर अगर अल्लाह की तरफ से आपके लिए बेहतर है तो आपको मिलेगी राइट अदरवाइज़ आपको ये तो पता होगा ना कि आई परफॉर्म्ड आई डिड माई बेस्ट राइट वो आपको नहीं भी रखेगा ना तो इंटरव्यू के बाद में सोचेगा जरूर यार ही वॉज अ गुड मैन ही वॉज अ गुड गर्ल राइट तो वो आज नहीं तो कहीं और कल आपको रिकमेंड कर रहा होगा आपसे मेरा गालबा कोई पंद्रह से पंद्रह साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप सबसे मेरा मोस्टली या एज में तो बड़ा होगा ही होगा तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक जगह इंटरव्यू के लिए गए इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई बाद में उन्हीं में से एक बंदा किसी और जगह इंटरव्यू में बैठा था और उसने वहाँ पे पहले ही रिकमेंड कर दिया कि यार ही डिड वेरी वेल इन लास्ट इंटरव्यू एज़ वेल ठीक है उसका बेनिफिट हो जाता है मतलब आपको नहीं पता आपकी उसकी आपका तो एक एक्सपीरियंस हो रहा है ना आपकी तो एक लर्निंग हो रही है येस बेटा लर्निंग हो रही है तो आपको तो एक आप तो एक इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो वो ज़रूरी है बाकी आप आ, आप बाकी लेट्स गो विद द फ्लो बट योर हार्ड वर्क और योर योर प्रेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो तैयारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर आप आप अल्लाह पे भी नहीं डाल सकते अल्लाह के पास किस पे जाएंगे मैंने तो कुछ नहीं किया ठीक है वो अल्लाह भी कुछ नहीं करेगा ठीक है

उस दौरान हम अपने गोल्स का उनको साथ डिस्कस कर देते हैं वो हमारे थैंक यू वेरी मच फॉर क्वेश्चन देखिए होता ये है कि गोल्स क्यों पूछे जा रहे होते हैं कि वेयर यू वांट टू बी इन योर लाइफ राइट वो आपसे ये देखना चाह रहे होते हैं कि क्या आपके गोल्स उस कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन हैं या नहीं है आप उस कंपनी के साथ आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे अगर फॉर एग्जांपल आपके गोल्स और कंपनी के गोल मुख्तलिफ हैं आप ईस्ट में जाना चाहते हैं कंपनी वेस्ट में जाना चाहती है तो फिर दोनों की तरफ किसी की भी सक्सेस नहीं होगी यानी आपकी सिलेक्शन फिर कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होगी अगर आपकी होती भी है तो क्योंकि आपकी तो प्रयोरिटी से कुछ और हैं राइट तो इसके लिए आपको पहले जो मैंने पहले बताया ना कंपनी को पूरा स्टडी करें यानी कंपनी को पूरी प्रोफाइल देखें कि कंपनी का विजन क्या है कंपनी की डायरेक्शन क्या है कंपनी क्या करना चाहती है फ्यूचर में तो आपको अपने गोल्स को उस इंटरव्यू में इस तरह से अलाइन करना है कि वो कहे तो आप अपने गोल रहे हो लेकिन उनके माइंड में फौरन कंपनी का गोल आ रहा हो नहीं झूठ नहीं लेकिन आपको अगर तो आपकी वो कंपनी टारगेट ही नहीं है और आपकी वो डिजायर ही नहीं है तो यू विल वेस्ट योर टाइम देखें आपने एक तो ये कि अपनी ऑनेस्टी जरूर रखनी है जैसे आप कहें ना अपना अपना आप सॉफ्टवेयर हाउस बना लेंगे ठीक है तो तो कोई हर्ज नहीं है देखिए अगर आप ये बताते भी हैं कि आप आप अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे या अपना बिजनेस इसके बाद शुरू करेंगे तो वर्स रॉन्ग इन इट? आई मीन वो तो आपको आपका ये तरीकेकार है बताने का कि आप कंपनी के ये गोल्स हैं, मेरे ये गोल्स हैं, मैं कंपनी के साथ तब तक चलता रहूंगा जब तक कंपनी और मेरे गोल्स अलाइन रहेंगे राइट ऑफकोर्स हर एक को अपने आप को एक्सपेंड करने अपने आप को ग्रो करने की की इजाज़त है तो जहाँ वो नहीं होगा आप नहीं रुकेंगे जहाँ आपके गोल्स और कंपनी के गोल्स डिफरेंट हो जाएंगे आप नहीं होंगे तो इसमें मेरे ख्याल में आपको ऑनेस्ट ही रहना चाहिए आप उसमें देखें आप जैसे ही उसके झूठ बोलते हैं ना तो कुछ लोग होते हैं जो बड़ा अच्छा झूठ बोल लेते हैं उनके चेहरे से पता नहीं चलता लेकिन बेहतर ये है कि आप बी ऑनेस्ट एंड बी डायरेक्ट राइट बट ऑफ कोर्स आपकी पैराफ्रेजिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगले बंदे को लगे कि ये तो मुझे स्नप करने की कोशिश कर रहा है आप उसको तरीके से बताएं कि यस आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन वेंचर बट आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन विद एज मैक्सिमम टाइम एज पॉसिबल एज एज सुन एज माई गोल्स आर अलाइंड विद दी ऑर्गेनाइजेशन आप इस तरह से बता सकते हैं ये ये मैंने एक दोस्त की सिचुएशन आपके सामने लिखी है और आपके सवाल से ही मुझे इसकी एक और सिचुएशन याद आ गई दिस पर्सन वॉज वर्किंग इन इन वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी ऑफ द सिटी राइट वहाँ पे वहाँ से ये एक इंटरव्यू के लिए गया उससे इसी तरह एक सवाल किया गया एक, एक हॉस्पिटल की चेन ओपन होने जा रही थी सियालकोट में कि यार तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो आप हमारे पास आ जाओ उधर आप पाँच साल में कहाँ पे होंगे जो आपने कहा पाँच साल में कहाँ पे होंगे फ्यूचर में कहाँ पे होगे क्वेश्चन uh, इस तरह से किया गया था वेयर डू यू डू यू सी योर सेल्फ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स तो हमारे पास आ जाओ इसमें हम आपको ग्रोथ देंगे देखा पहली बात तो ये आई डोंट सी माई सेल्फ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स सो आपको अपने गोल्स अपने आप को क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि वेयर यू वॉन्ट टू बी ओके अच्छा इनसे एक सवाल किया किया जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एबिलिटी हिज एबिलिटी टू लाइट हाउस फॉर हिज टीम लाइट हाउस का पता है लाइट हाउस जिस तरह से समंदर में तमाम लोगों को लाइट प्रोवाइड तमाम शिप्स को लाइट प्रोवाइड कर रहा होता है एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है इसी तरह मैं एक इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को एक लाइट हाउस की तरह हूं जो उनको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है राइट right? अब ये क्या शो कर रहा है योर लीडरशिप सो ही स्टडी सोर्स फॉर सपोर्ट ऑफ हिस्स टीम प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शन राइट आपको क्या चीज मुख्तलिफ कर रही है बाकी लोगों से आप इस रूम में साठ लोग बैठे हैं साठ में से आपको क्या चीज बाकियों से डिफ्रेंशिएट कर रही है वर्ट्स अपार्टिंग यू फ्रॉम अदर्स वर्ट्स अपार्टिंग यू फ्रॉम अदर्स हाउ यू आर डिफ्रेंशियटिंग फ्राम अदर्स हर एक की डिफरेंट पर्सनैलिटी है हर एक की डिफरेंट स्किल्स हैं राइट right? हर एक के डिफरेंट एक्सपीरियंसिस हैं सो so, वट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ये हमने अभी डिस्कस किया आप लोगों से मैंने वॉल्टियरली पूछा भी आप में से कोई और अगर बताना चाहे अपनी स्ट्रेंथ शेयर करना चाहे तो प्लीज कर सकता है फोकस गुड सो फोकस इज कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ लेकिन उसमें आप उसी तरह से उसको बताएंगे उस तरह से कि यू आर कंसिस्टेंट इन योर वो आप कम टाइम आप उसमें आपका इंटरेस्ट होता है ना वट इज your वीकनेस देखिए आपने कोई भी ऐसा मौका नहीं देना इंटरव्यूअर को कि वो आपको ग्रैब कर सके कि आप नेक्स्ट राउंड में ना जाएं, राइट right? तो आपको अपनी वीकनेस इस तरह से बतानी है कि इट्स नॉट एक्चुअली अ वीकनेस राइट आपको अपनी वीकनेस को अच्छा वो वीकनेस कभी भी ना बताएं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेजर पार्ट है काम का ठीक है तो आपको उस वीकनेस को आप आइडेंटिफाई करना है देखिए ना ये ऐसे ही है आईटी के लोग बैठे हुए हैं जैसे कंप्यूटर में बग्स हो कंप्यूटर काम तो करता रहता है लेकिन आपको उसको वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन कर देता है आपको उसको निकालना आता आहिस्ता उसको रिमूव करना इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है इसी तरह आपको अपनी जिंदगी में जो भी आपकी वीकनेस हो उसको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है वीकनेस बताने में कोई हर्ज नहीं है वो वीकनेस बताएं जो आपके आपसे आपके उस जॉब के उस तरह से रेलिवेंट नहीं है और फॉर एग्जांपल अगर कोई है ऐसी वीकनेस जो आप बताना चाहते हैं जो जॉब से भी रेलिवेंट है तो फिर साथ ये बताएं कि ये वीकनेस थी इसको आपने इस तरह से इंप्रूव किया और अब आप बेहतर हो गए ठीक है नाउ इट्स बिकमिंग योर स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आईटी के लोग बैठे हुए फॉर एग्जांपल आपके आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और तो आप मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक कर रहे होते हैं yes. क्यों क्योंकि आपने देखा होगा जो अच्छे जो इंजीनियर्स भी होते हैं डेवलपमेंट इंजीनियर्स भी होते हैं वो भी लैक कर रहे होते हैं तो उनका तो वो काम ही नहीं है राइट right? क्योंकि उन्होंने ज्यादातर टाइम कोडिंग में गुजारना होता है वो लोगों के साथ मिलता ही नहीं है तो उन लोगों को सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक करने के लिए कोई ऐसी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए राइट तो वो वो वीकनेस बताएं जो आपकी जॉब के रिलेटेड नहीं है और ये मैं मान नहीं सकता कि कोई भी इंसान किसी वीकनेस के बगैर हो राइट तो बस आपको आइडेंटिफाई वो करनी है बतानी वो है जो उस जॉब को इफेक्ट ना कर रही हो आपके काम को इफेक्ट ना कर रही हो फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट फॉरवर्ड मैनेजर होता है वो अपने वो कहता है कि वो जब भी अपने इंप्लॉज को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है या क्रिटिसिज्म करता है तो इंप्लाइज फॉरन माइंड कर जाते हैं ये उसकी वीकनेस है ठीक है कि जब भी वो कहता है कि तुमने तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो उसको घुमा फिर के डिप्लोमेटिकली नहीं कहता डायरेक्ट कह देता है तो उसकी वजह से उसका उसके इम्प्लॉयज़ उससे नाराज हो जाते हैं उससे ऑफेंड हो जाते हैं तो वो आगे ये बताता है कि लेकिन इसको डिफेंड करने के लिए इसको कैटर करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अपलॉड करता हूँ अब उनको सेलिब्रेट करता हूँ उन पर तालियाँ बजवाता हूँ ताकि उनकी उनकी एक सेल्फ मोटिवेशन है वो इनक्रीज हो जाए तो आपकी एक वीकनेस है लेकिन आपने उसको कवर करने के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं राइट right? तो दैट वीकनेस इज़ एक्सेप्टेबल आपने उसको बताना इस तरह से है कि वो आपकी फेवर में चली जाए एक मैनेजर कहता है या एक एम्प्लॉय कहता है कि मेरी जो टीम है मैं मुझे में प्रॉब्लम ये है कि जब भी मुझे लगता है कि ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे तो मैं उनसे पकड़ के ख़ुद ही काम करना शुरू कर देता हूँ राइट दैट्स माई वीकनेस लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि मैंने इसको कवर करने के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दी है अपने आप को मैंने डेलीगेशन करने शुरू कर दिए वर्क डेलीगेशन ज्यादा कर दी, दी ताकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो चीजों में राइट right? तो आपको देखें अब ये है सारी मैनेजमेंट की वीकनेसेस ही बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताने वाली होती हैं जिनको लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यंग लेडीज एंड यंग बॉयज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको उस वीकनेस के साथ सोल्यूशन भी बताना है आपको बताना है कि उस वीकनेस के साथ आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया है या कर रहे हैं या यू आर इंटेंडेड टू इम्प्रूव इट या यू यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ कोर्स फॉर इट टू इम्प्रूव इट यस। एक बंदा कहता है कि जी वन ऑफ माई चैलेंज इज माई लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद प्रेजेंटेशन टूल्स लाइक पावर पॉइंट एंड कैनवा लेकिन उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया हुआ है जिससे मैं सीख रहा हूँ कि पावर पॉइंट और कैनवा को कैसे बेहतर किया जा को कैसे चलाया जा सकता है कैसे उस पर काम किया जा सकता है right? राइट तो वीकनेस आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है आगे उसको यूज़ कैसे करना है वो ज़रूरी है आपने उसको बेहतर कैसे कर रहे हैं राइट सो वीकनेस इट्सल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग आपका अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है आप सब में ये ख़ास बात है कि आप में ये इम्प्रूवमेंट का एप्टीट्यूड है बिकॉज यू आर सिटिंग हेयर राइट नाउ ये मैंने पहले आपको बोला मुझे बताया गया कि थोड़ा हमने जल्दी क्लोज करना है वाई शुड वी हायर यू नेक्स्ट क्वेश्चन बोले किसी को इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ा है आप में से जो लोग जॉब करते हैं Hmm. और देखें आ, अब आप ये वाला जो क्वेश्चन है आपने सर ने भी ठीक आइडेंटिफाई किया आपने भी ठीक आइडेंटिफाई किया ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप देखें तो आपकी अगर पिछले क्वेश्चंस की प्रेपरेशन होगी जो आपने स्ट्रेंथ पे बताया जो आपने सिचुएशन पे किया है जो आपने वीकनेस पे किया है, है तो यू नो वाइद शुड दे हायर यू राइट यू नो वट इज योर स्ट्रेंथ वाई शुड यू हायर यू यू नो यू वट इज योर वीकनेस वाई शुड दे हायर यू आपको अपने आपको एक शॉर्ट से टाइम में अपनी सेल्स पिच करनी है आप, आप इंटरव्यू में क्या कर रहे होते हैं योर सेलिंग योर स्किल्स ऐसे ही है ना आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर सेल तो आपकी सेल्स पिच आपको वो थर्टी सेकेंड्स में बताना है और ये अब आपको कैलकुलेट करना है बिकॉज नो बॉडी इज गोइंग टू लिसन यू फॉर सो लॉन्ग ट्रस्ट मी आपको क्विकली उसको रिस्पॉन्ड करना है आपको और वो क्विकली कब करते हैं आप जब क्लियर होता है जैसे सरने का कि मेरी यह स्ट्रेंथ है मेरी यह वीकनेस है जिसको मैं इंप्रूव ऑलरेडी कर चुका हूँ दट्स द रीजन यू शुड हायर मे सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ हाउ दे कैन ट्रांसफर टू दिस रोल दिस न्यू रोल फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड हाउ दिस हाउ इट्स रेलिवेंट फॉर द रोल राइट आप कोशिश करें कि इस सवाल के जवाब में फोकस ऑन स्ट्रेंथ और फिर आखिर में आप कह देंगे एंड आई एम ऑलवेज आई एम अ गुड लर्नर आई ऑलवेज वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड माई वीकनेसेस विच आई हैव ऑलरेडी इंप्रूव्ड इज द प्रूफ ऑफ दैट सो बी रेडी बॉयज़ एंड गर्ल्स यू आर गोइंग टू डिमॉन्सट्रेट हाउ विल यू एड वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन इस सवाल के जवाब में आप स्ट्रेंथ तो बता रहे हैं कि इसलिए आपको हायर करना चाहिए जैसा अभी इन्होंने कहा कि आपको हाँ आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलेंगे तो बेसिकली आप वैल्यू ऐड किस तरह कर रहे हैं भाई राइट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रनिंग अ चैरिटी इट्स रनिंग अ बिजनेस राइट तो उसको तो वो चाहिए कि आप वैल्यू किस तरह से ऐड करें आप, आप बहुत अच्छे होंगे लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक जवाब ये हो सकता है कि थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी आई एम एक्साइटेड Uh, as i have admired this organization for years and would love to work here right you you want to work there jaise maine aapko pehle kaha ki aap organizations identify kar le you admired that organization for so long and you were you want to work in that organization ye aapne keh to diya but now you should have answer to follow up questions as well अब आपको उसके बाद organization के बारे में पता होना चाहिए अगर आपने उसको इतने अरसे से admire किया है तो आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच कर रही है आपके गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइंट है इस वजह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं क्यों क्योंकि फॉलोअप में आप कह सकते हैं योर एक्सपीरियंस टैलेंटेड कॉन्फिडेंट परफेक्ट फिट फॉर द जॉब वाई परफेक्ट फिट फॉर द जॉब बिकॉज योर गोल्स आर विद द ऑर्गेनाइजेशन राइट यू आर कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन यू आर रेडी टू एड वैल्यू एंड हेल्प विद वर्क लोड एक्साइटेड फॉर न्यू चैलेंजेस एक्साइटेड फॉर न्यू चैलेंजेस यू वॉन्ट टू एड वैल्यू राइट सो बॉयज एंड गर्ल्स जब भी इंटरव्यू के लिए जाए प्रेपरेशन के साथ जाए राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेस लिसन टू योर सेल्फ ऑन डैट रिस्पॉन्सेस जो भी आपने लिखे हैं उनको प्रैक्टिस करें उनको बोल के देखें गिव योर सेल्फ टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट मेरे कुछ एक दो कॉलीग्स हैं वो ऑफ ले लेते हैं जब उनका अगला इंटरव्यू होता है बीमार हो जाते हैं बीमार होकर ऑफ़ ले लेते हैं राइट लेकिन ये हर कोई शायद उस तरह से नहीं कर पाता मेरे जैसा बंदा मैंने कभी इस तरह ऑफ़ ले नहीं सका खुद से भी तो आप लेकिन जो करते हैं वो अपने आप के साथ अच्छा करते हैं आई आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए उस प्रेपरेशन को टाइम दें फिर जाएं फिर देखें कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं आप एक दफ़ा नहीं कर पाएंगे आपको लूप होल्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपकी वीकनेस थी फिर आप आगे चलेंगे फिर आप उसको इंप्रूव करेंगे एप्टीट्यूड टू वर्ड्स इंप्रूवमेंट टू आई मीन रीबिल्डिंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो योर यू शुड सिंसियर विद योर सेल्फ यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज कैरिंग योर सेल्फ फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स तो अपने आप को बैठ के वो क्लैरिटी दें कि आप क्या हैं आपकी डिफरेंट सिचुएशंस क्या थी उसके क्या क्या सवाल हो सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं आपकी वीकनेसेस क्या हैं और उस कंपनी को आपको क्यों हायर करना चाहिए राइट थैंक यू वेरी मच दिस वाज टूडेज टॉपिक और आई होप कि आप सबकी इस एंगल से बहुत सारी लर्निंग्स हुई होंगी अगर इसमें कोई और फॉलोअप क्वेश्चन हैं तो आई एम हेयर टू रिस्पॉन्ड प्लीज हाँ पहली बात तो ये कि दिस वॉज नॉट ए इंटरव्यू सिचुएशन ठीक है जब आप इंटरव्यू सिचुएशन में अक्रॉस तो द टेबल डिफरेंट उसमें बैठे होते हैं तो डिफरेंट परसेप्शन होती हैं राइट उसमें आपको उसमें आपका ये जो बैठने का स्टाइल है इसको मैं एडमायर नहीं करूँगा राइट तो ठीक है आपको वेलकमिंग होना चाहिए ना विद ओपन हैंडेड ठीक है आपको देखें आपको जैसे हमने वो स्टार क्वेश्चन की बात की है तो रिजल्ट में आपको अपना रिजल्ट जो है वो ओपन हैंड नहीं छोड़ना आपको ये नहीं कि आप अपनी वो बाकी चीज़ें बता दें एक्शन भी बता दें सिचुएशन भी बता दें अपने बाकी एनालिसिस भी बता दें लेकिन आप रिजल्ट ना बताएं आउटकम ना बताएं तो आपको उसको ओपन हैंड नहीं छोड़ना लेकिन आपको अपने हाथों को वेलकमिंग रखना है आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब होता है कि यू आर क्लोज राइट यस और उसमें भी ओपन पाम ऐसे नहीं होनी चाहिए इस तरह का इस तरह करके जवाब ना हो ऐसे करके हो right? राइट क्योंकि वो दैट दैट विल बिकम दैट इज़ आई मीन डिफरेंट वो मैसेज कभी कोई मौका मिला तो हम उस पर बॉडी लैंग्वेज पे कभी सेशन करेंगे तो उसमें वी विल डिस्कस दिस बॉडी लैंग्वेज टिप्स लेकिन आपको उस हवाले से इंटरव्यू में हर तरह से आज का था कि आपने इंटरव्यू में बोलना कैसे है डिफरेंट सिचुएशन क्वेश्चन हैं स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेस हैं या वाइस शुड दे हायर यू इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन हमने एक ऐसे क्वेश्चन रखे थे जो ओवरऑल आपकी तमाम चीज़ों में कैटर हो सकें क्योंकि जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आपको कहीं पर भी आप टेक्निकल क्वेश्चन के भी बीच में बताते हैं वे अपनी कोई स्ट्रेंथ बता देते हैं अपनी कोई स्टोरी बता देते हैं लेकिन वो कब बताते हैं जब आपने उस पर ऑलरेडी काम किया होता है जब आपने उस पर बिल्डअप किया होता है राइट वो काम आपने बेशक किया होता है आपने आप उस सिचुएशन से गुजरे हैं लेकिन राइट डाउन बड़ा ज़रूरी है उससे आपके वर्ड्स भी क्लियर होते हैं आपकी स्पीकिंग पावर भी बढ़ती है आप जब मैट्रिक और उसमें रटा लगाते थे या जब आप हिफ्स भी करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं आप उस पेज को रिकॉल कर रहे होते हैं बेसिकली आइज और ईयर्स का लिसनिंग का और देखने का बड़ा कनेक्शन है ठीक है जो आप देख रहे होते हैं वो आपको ज़्यादा स्टोर हो रहा होता है जो आप सुन रहे होते हैं वो वो और तरह से उसकी परसेंटेज डिफरेंट है लेकिन जब आप दोनों का एक काम कर रहे हो तो उसकी परसेंटेज कितनी ज़्यादा हो जाएगी तो इसलिए वो लिखना लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस में आप बोलते हैं तो आपकी लिसनिंग भी हो रही है आप बोल भी रहे हैं और सारा कुछ जो है वो कम्प्लीट भी हो वो हमने पहले डिस्कस भी किया पहले से फर्स्ट हाफ ऑफ सेशन में कि आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करें उसको पूरा स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है उसके प्लसेज क्या हैं उसके माइनसेस क्या हैं उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उसकी वीकनेसेस क्या हैं उसके गोल्स क्या हैं उसका विजन क्या है क्योंकि आपने आपने अपना गोल उसके मुताबिक फिर इनलाइन करना है अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं तो अब बात यह है कि मैनेजर्स आर वेरी एक्साइटेड टू हायर दोज पीपल हु आर पैशनेट टू वर्क विद दैम लेकिन हायरिंग की एक कॉस्ट होती है अगर कोई ऐसे लोग हायर किए जाते हैं जो दो माह बाद छोड़ जाएंगे तो वो पूरा प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा तो उन स्किल्स के साथ साथ उनको वो पैशन भी चाहिए लेकिन जब आप उस कंपनी की वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लें कर देंगे आप मेरा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इंटरव्यू के दौरान कंपनी की सिर्फ स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करें और उन स्ट्रेंथ्स के साथ उन गोल्स के साथ अपने आप को लिंक करें ना कि आप उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें हाँ वो उस सूरत में हो सकती हैं जब आपको आप कहा जाए आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करेंगे ठीक है फिर आप उनको ये बताए बगैर कि यह आपकी वीकनेस है आप कहें इस एरिया -इस में मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यह हमारी वीकनेस है ठीक है तो हाँ हाँ तो, जी जी बिल्कुल पे स्पेस है और पे है। जी जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच बिल्कुल सही कहा आपने कि आप ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें बता के उसके बाद आप, आप बताएं कि आप वैल्यू ऐड क्या कर सकते हैं वो वैल्यू एड उसी एरिया में होगी ज़ाहिर जहाँ पे गैप है और वो गैप वो है जो सर ने आइडेंटिफाई किया एनी अदर जी क्वेश्चन uh, एक और ले, ले लेते हैं जी बोलने से हैं, फिजिकल भी होता है। दोनों हो रहा होता है देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन के लिए हार्ड हो रहे हैं। अगर, example, एक की है। तो पे वो एक रफ टफ बंदा तो नहीं रखेंगे राइट उसमें आपको मे बी वेल ड्रेस सूट भी चाहिए गर्ल्स हैं तो आपको प्रेजेंटेबल चाहिए राइट तो आपको वो उस जॉब की स्पेसिफिकेशन के हवाले से वो चीज़ भी ज़रूरी है और ऑफ कोर्स आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप वो जो अभी हमने बात की कि आप किस तरह से आपकी प्रिपरेशन क्या है उसमें आपकी तैयारी भी है राइट आपकी अपेरेंस भी है कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को और फिर डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट रोल्स हैं उन रोल देखें एक पोजीशन होती है और एक जॉब होती है दोनों में फ़र्क है राइट तो पोजीशन की पोजीशन वो है जो आपकी डिफरेंट हैर कीज़ है जॉब वो है जो आपका काम है एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है एक टीचर है दोनों का सेम रोल हो सकता है जॉब सेम है उनकी दोनों के पढ़ाने की है बट उनकी पोजीशन डिफरेंट है राइट right? तो आपको डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अगर कोई एच की पोजिशन पर आ रहा है तो उसकी स्पेसिफिकेशन ही डिफरेंट होंगी राइट right? उसको वो प्रजेंटेबल भी होना पड़ेगा उसको वो स्पीकिंग में भी कम्फर्टेबल होना पड़ेगा उसको उसको ड्रेसअप भी उसी तरह होना पड़ेगा लेक्चरर के लिए वो चीज़ें ज़रूरी नहीं होंगी उतनी राइट सो डिफरेंट जॉब के हिसाब से ऑफ़ कोर्स डिफरेंट अपेयरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं आप किस तरह से जाते हैं ठीक है जी थैंक यू वेरी मच बॉयज़ एंड गर्ल्स आई ट्राई टू इंट्रैक्ट विद यू और uh, आप लोगों को मैंने बुलवाने की कोशिश की कुछ लोगों को सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू और बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर एंड बाकी आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ़ यू आप जब कभी भी कॉन्टैक्ट करना चाहें कोई भी हेल्प चाहिए हो आई एम ऑलवेज थैंक यू